Wikipedia, how we can use Wikipedia for SEO, how we can create Wikipedia page for the company. What is Wikipedia? Sabse pehle, Wikipedia kya cheez hai? Wikipedia is a free online encyclopedia which allows anyone to create an edit article word. Free encyclopedia hai. Yahan pe ye community koi bhi banda jaake edit kar sakta hai ya koi article create kar sakta hai. Aur ye banaya gaya isne puri duniya mein jitne bhi hamare tarah ke log hai jo kuch jante hain. उन लोगों ने मिलकर ये कम्युनिटी क्रिएट की है और रोज़ाना लोग उस पर जाके एडिट करते हैं, नए आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं, पुराने आर्टिकल्स को एडिट करते हैं, उसमें अपडेट्स करते हैं. इट लॉन्च्ड इन 2001 बाय जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर ऑलमोस्ट 17 इयर्स एगो नाउ. 17 साल पहले ये 2001 में ये क्रिएट हो चुका था तकरीबन. और ये दो नाम है, जेमी वेल्स और लैरी सेंगर ने क्रिएट किया हुआ था. नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर टोटल 7 करोड़ से ऊपर तकरीबन रजिस्टर्ड यूजर है. रजिस्टर्ड टोटल जो विकिपीडिया को रजिस्टर्ड यूज़र मतलब कि वो लोग जो यहाँ पे जाके कंटेंट को अपडेट करते हैं, आर्टिकल को लिखते हैं या आर्टिकल को अपडेट करते हैं या एडिट करते हैं या ये नया कंटेंट डालते हैं, तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर लोग हैं. विकिपीडिया इज़ नॉन प्रॉफिट. नंबर वन चीज़ है, ये नॉन प्रॉफिट है. और एंड द नंबर वन गोल इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रल अनबाइस्ड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. सबसे पहला गोल क्या है कि विकिपीडिया का द मेन गोल न्यूट्रल कंटेंट प्रोवाइड करना या अनबायस कंटेंट को प्रोवाइड करता है और सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. और इसका सबसे सबसे बड़ी चीज़ उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा कोई आर्टिकल वहाँ पे जाके पब्लिश कर देता है तो बहुत सारी सेम फील्ड की ऐसे लोग होते हैं जो सेम फील्ड में उनका एक्सपोजर होता है, वहाँ पे जाके जब उसको रीड करते हैं उनको लगता है कि इसमें कोई चीज़ कमी बेची है या कुछ इंक्लूड होना चाहिए, तो वहाँ पे जाके उसको रीड करते हैं और दोबारा से उसको अपडेट कर देते हैं. इट्स गेटिंग 10 एडिट्स पर सेकेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. एक सेकेंड में 10 एडिट्स हो जाते हैं, 10 कॉन्टेंट एडिट हो जाते हैं. नेक्स्ट, इट्स इंक्लूड तकरीबन कोई 5.5 लाख से ऊपर आर्टिकल है और एट एवरेज 600 न्यू आर्टिकल पर डे. एक दिन में तकरीबन 600 आर्टिकल इंक्लूड होते रहते हैं इसके ऊपर. इट हैव टोटल ऑफ 4,37,00,000 41,185 पेजेस टोटल पेजेस पब्लिश्ड है इसके ऊपर. नेक्स्ट इज हाउ टू यूज विकिपीडिया फॉर एसईओ पर्पस. नंबर वन, Wikipedia is not giving any do follow links, not passing link use. Do follow link Wikipedia ने नहीं देना और न कोई ये link use pass कर रहा है किसी website को या किसी article को या किसी outbound link को. Number second, it's giving all of the outgoing links are no follow. सीधी सी बात है, no do follow नहीं है, no follow links हो गई. Third, you can on huge traffic if your website is cited or you have a company Wikipedia page. यहाँ से जो बड़ी चीज़ है, आपको बहुत ट्रैफिक, क्योंकि विकिपीडिया कोई भी यूज़र जब विकिपीडिया गूगल पे जाता है, कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो फर्स्ट 3 रिजल्ट में आपको किसी भी इंफॉर्मेशन में के लिए विकिपीडिया का पेज नज़र आ जाता है. और मोस्ट ऑफ द पीपल आर विजिटिंग विकिपीडिया, तो इसका मतलब है ह्यूज ट्रैफिक आपको मिल सकती है अगर आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, आपकी कंपनी के बारे में फॉर एग्जांपल विकिपीडिया के पेज के ऊपर कंटेंट पब्लिश्ड है या आपकी कंपनी वहाँ पे साइटेड है, आपको कोई आर्टिकल वहाँ पे साइटेड है, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे किसी ने साइट की हुई है किसी ने किसी वैसे रियल वैसे, तो आपको ह्यूज ट्रैफिक मिल सकती है. Google gave huge space to Wikipedia page, almost 46% of. 46% of Google है, तकरीबन कोई 46% यूजर जो है ना विकिपीडिया से आ रहा है. Google TikTok space दे रहा है विकिपीडिया को. अच्छा, Google gave huge space to Wikipedia page. बहुत बड़ा स्पेस दे रहा है विकिपीडिया पेज को. ऑलमोस्ट 46% ऑफ गूगल
have built its large percent of its knowledge graph on Wikipedia पे है, जो इसका नॉलेज गूगल का जो नॉलेज ग्राफ है तकरीबन 46% से ऊपर किस चीज़ पे बना हुआ है, विकीपीडिया के पेजेस पे बना हुआ है. इट्स ग्रेट वे टू प्रमोट योर कंपनी ब्रांड. अगर आपने ब्रांडिंग करनी है तो विकीपीडिया इज नंबर वन प्लेस. इफ यू कैन पब्लिश योर कंपनी और अबाउट योर कंपनी गो एट दिस, तो ब्रांडिंग आपकी बहुत बड़ी हो जाती है. विकीपीडिया प्रोवाइड ओनली ट्रस्टेड कॉन्टेंट, योर ब्रांड विल अर्न 100% ट्रस्ट इन योर कस्टमर आइज. जो विकीपीडिया पे जो कंटेंट पब्लिश होता है वो 100% एक्यूरेट और अनबायस्ड और ट्रस्टेड होता है. तो इसका मतलब है जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपकी जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर है, जो आपके पोटेंशियल यूज़र है, उनकी आइज उनकी मुताबिक आपका जो ब्रांड है वो 100% ट्रस्टेड होगा. यू कैन एक्सपेक्ट मोर साइटेड लिंक फ्रॉम द विकीपीडिया यूज़र, एट लीस्ट योर वेबसाइट इज साइटेड फ्रॉम विकीपीडिया. अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के बारे में कोई आर्टिकल आपने पब्लिश नहीं किया एंड यू योर वेबसाइट हैव बीन साइटेड बाय समवन, तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल सकते हैं. अगर आपने काफ़ी अच्छा कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है तो लोग मेजर फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक के बारे में विकीपीडिया के ऊपर लिखते हैं एंड दे हैव फाउंड दैट यू हैव रिटन अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक को, और वो उनके लिए वैल्यूएबल है, तो आपकी वेबसाइट को या आपकी आर्टिकल को वो साइट भी कर सकते हैं. और उस एक साइटेशन से आपको टिक टॉक अथॉरिटी एंड लिंक और साथ साथ बहुत ट्रैफिक मिल सकता है. हाउ टू क्रिएट कंपनी विकीपीडिया पेज, किस तरह आपने क्रिएट करना है. नंबर वन चीज़ आपने क्या करना है कि विकीपीडिया पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है. जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, लुक फॉर द आर्टिकल यू वांट टू क्रिएट फर्स्ट. आपने सबसे पहले विकीपीडिया के ऊपर आप सर्च करें कि आपका जो ब्रांड है या जो आपका टॉपिक है या आपका जो टाइटल है उसको आप सर्च करें विकीपीडिया के ऊपर, उसको एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए. अगर वो एग्जिस्टेड है तो यू विल हैव टू गो विद सम अल्टरनेटिव या उसको थोड़ा सा चेंज करके आप उसके साथ चल सकते हैं. फिर तीसरी चीज, हैव एन डेप्थ रिसर्च अबाउट द टॉपिक यू वांट टू क्रिएट पेज ऑन विद लिंक्स टू बी साइटेड रेफरेंस लिंक. अगर आपने किसी कंपनी के बारे में लिखना है या आपने कोई आर्टिकल वहां पे पब्लिश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एन डेप्थ रिसर्च चाहिए उस चीज के लिए. एन डेप्थ रिसर्च क्या है, आपके पास ऐसे लिंक्स होने चाहिए जो अथॉरिटी लिंक्स हो, जो अथेंटिक हो, जो हाईली सर्चेबल हो. और जब आप कंटेंट प्लस पब्लिश करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपने उन लिंक्स को साइट करना है, उनको रेफरेंस देना है. तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि विकीपीडिया साइटेशन के अलावा के बगैर आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगा. नंबर वन चीज़. नंबर सेकंड चीज़, जिस आर्टिकल के बारे में आपने पब्लिश करना होता है उस आर्टिकल के बारे में आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, किस तरह है, कहाँ है, कब से शुरू हुआ है, उसकी हिस्ट्री पूरी होनी चाहिए. उसकी जितना भी उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी चीज़ें आ जाती है, यू मस्ट नो ऑल अबाउट देम. द फोर्थ थिंग इज राइट अ कॉपी ऑन एमएस वर्ड. सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर विकीपीडिया के लिए आपने लिखना है, सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आती है उनको कैटेगराइज करें, उनकी हिस्ट्री लिख के, टाइटल लिख के, डिफिनीशन लिख के, कंपनी कितनी बड़ी है वगैरह 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 सारी चीज़ें लिख के, ठीक है, रिलेटेड कंटेंट, और वो सारा कंटेंट आपने लिखना है सिंपल एमएस वर्ड के ऊपर लिख के. जब आपने कंप्लीट कर दिया सारा कुछ, उसके बाद आप क्या करें, उनको एडिट करना शुरू करें. विकीपीडिया सैंड बॉक्स, आपको जब आप लॉगिन क्रिएट करते तो वहाँ पे एक सैंड बॉक्स का ऑप्शन है ऊपर टैब, उस पर क्लिक करें, उसके अंदर आप उनको एडिट करके पब्लिश करें उसके बाद. और जितने भी अगर आपने आउटबाउंड लिंक्स देने हैं या साइटेशन देनी है तो आपने क्या करना है, उनको विकी कोड्स के साथ उनको एडिट करें. नेक्स्ट, गिव साइटेशन टू द पेजेस आर्टिकल वेयर यू हैव रिसर्च्ड. आपने फॉर एग्जांपल रिसर्च की हुई है, क्योंकि रिसर्च के बगैर आप उसको रिसर्च और साइटेशन के बगैर आप पब्लिश नहीं कर सकते. तो ऐसे ट्रस्टवर्दी एंड अथॉरिटी और रियल कॉन्टेंट हैं, उस उनकी जितने भी लिंक्स हैं उनको आपने कलेक्ट करना है, और जहाँ पर वो ज़रूरत पड़े तो उनको साइट करें और उनको लिंक करें. Next, submit the page. It may take few days or few weeks. Depends. अब depend करता है, अगर आपने for example पूरा article according to rules, guidelines, जितने भी है Wikipedia की, तो उनके मुताबिक अगर आपका पेज सही है तो कुछ दिन या कुछ वीक्स उसको लगने हैं, कब तो वो कम्युनिटी उसको रीड करेगी
उसके अप्रूव करेगी, अगर इट्स अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस तो वो अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट होगा और आपको देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन किस चीज़ की वजह से आई है। आप दोबारा उसको पढ़े, दोबारा इम्प्रूवमेंट करें, दोबारा सबमिट करें। थैंक यू सो मच।